वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मावा गुजिया और उसकी रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करूंगी। उसके लिए मैं यहाँ 2 पैकेट खोआ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैं रेडीमेड लेके आई हूँ मार्केट से। आप घर पे भी बना सकते हैं, पाउडर वाला या मिल्क वाला, जो आपको ईजी लगे। प्रोसेस ये है कि हमें इसको मेल्ट करना। मैंने गैस ऑन कर लिया है और एक कढ़ाई चढ़ा दिया है और कुछ भी नहीं डाला है मैंने उसमें, ना घी कुछ नहीं। बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए पिघला दूंगी। ये देखिए मावा जो है वो हमारा मेल्ट हो रहा है अच्छे से। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। तो मैं इसमें चीनी डालूंगी। और इसे भी मिला देंगे हम लोग। सो मिला दिया है मैंने अच्छे से। ये प्रोसेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस 5 मिनट लगा है मैदा। इसके बाद इसमें मैं तेल डालूंगी। आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। मिला दे इसे अच्छे से। अच्छे से मिलाना है ताकि कोई भी लम्स ना रहे। के बाद मैं डालूंगी यहाँ दूध। अगर आप दूध से इसे मिलाते हैं ना तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ट्राई करिए आप इस। और इसका जो डो है ना वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है हमें, थोड़ा सा टाइट ही रखें, तो इसे ज़्यादा गीला ना करें आप। इसको अच्छे से मिला देंगे हम लोग। और थोड़ा थोड़ा दूध, जैसे ही आपको लगे कि इसमें लगेगा तो आप थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालते जाएं और फिर उसके बाद इसका एक डो बना लें। सबसे पहले यहाँ मैंने ये मैदा रख लिया है, उसके बाद डस्ट करने के लिए कुछ और मैदा रखा है ड्राई वाला। यहाँ हमारा मावा है और ऑयल यहाँ गर्म होने चढ़ा दिया है। तो चलिए गुजिया बनाने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा यहाँ मैदा लूँगी अपने हाथों में और उसके बाद इसे डस्ट कर देंगे यहाँ पर और इसकी पतली सी एक पूड़ी जैसे बनानी है हमें। तो इंश्योर करें कि ये थोड़ा पतला हो, नहीं तो फिर बहुत थिक हो जाने से क्या होगा, टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने ये गुजिया मेकर ले लिया। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं भी है तो भी आप बना सकते हो। तो अगर आपके पास ये है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको इसे ऐसे रखना होता है। खोआ ले लूंगी और एक साइड स्टफ कर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग चाहिए तो आप दूसरे साइड भी रख सकते हैं। अगर आपको इतना ही चाहिए तो एक साइड रख दे, बस काफ़ी है। उसके बाद मैं यहाँ पानी लगा दूंगी किनारों में। इससे क्या है कि बहुत अच्छे से चिपक जाएगा और ये निकलेगा नहीं। और इसे हमें ऐसे मोल्ड कर लेना है और जितने भी एक्सेस मैदा निकल रहे हैं उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए और दो बना लिए हैं। उसके बाद हमें चेक करना है कि हमारा तेल अच्छे से गर्म हुआ है कि नहीं। इंश्योर करना है कि गर्म तेल में ही डालें, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ मैदा का टुकड़ा डाल के देखती हूँ। देखिए तेल हमारा काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ। और फ्लेम लो रखें और इसे अच्छे से तलें। हो गया है हमारा गुजिया, दोनों साइड से तल लिया है मैंने इसको। अब मैं इसे निकाल दूंगी। अब
बनके तैयार है, बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से बन गया। मैं आपको एक दिखाती हूँ जो मैंने तोड़ के रखा है, तो कुछ ऐसा लगेगा। ये देखिए काफ़ी क्रिस्पी है ये वाला, ये जो आउटर ये है ना बहुत क्रिस्पी सा है, एंड ये जो खोआ है ये जाते ही मुंह में पिघल जाता है। मैंने इसमें और कुछ ऐड नहीं किया, आप चाहे तो कोकोनट पाउडर और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, बट मैंने ये सिंपल तरीके से बनाया है क्योंकि बच्चों को भी ऐसे ही अच्छा लगता है। तो आप इस तरीके से एक बार अपना गुजिया ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। सो फिर मिलते हैं दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।